तो सब कोई बढ़िया होंगे। और ये दुखद बात है कि मैं जब रिटर्न मतलब वहाँ बेतिया से निकला, तो ये जब ये हमारा ब्लॉगिंग बन रहा है सेम वही मैं कर रहा था, बट उस टाइम मेरा कैमरा का जो फोकस था वो अच्छे से रोड पे नहीं था, उसके लिए मेरा जितना भी वीडियो बना वो मतलब वो बेकार हो गया। तो वही फिर मैं अभी रिटर्न गोरखपुर से रिटर्न हो रहा हूँ, तो रिटर्न के टाइम हम ये वीडियो शूट कर रहे हैं। तो ये जो रोड आप देख रहे हैं ये बेतिया गोपालगंज के बीच में ये रोड बना है, और ये रोड के बनने के कारण बेतिया गोपालगंज की दूरी 70 किलोमीटर की दूरी कम हुई। जैसे पहले हम लोग जाते थे, रास्ता जो था ये मोतिहारी अरराज रोड होते हुए ये गोपालगंज जाते थे, बट ये जो पुल बना है पुल लगभग ये 3 किलोमीटर की दूरी पे है, लगभग लंबाई है इसकी पुल की। तो वही इसके बनने से गोपालगंज की दूरी, जैसे गोरखपुर हम लोग जाते हैं बेतिया से, या गोरखपुर से हम लोग बेतिया आते हैं, तो वो दूरी बहुत कम हो गई। तो वही पुल की लंबाई, पुल कैसा है, तो उसी का ब्लॉगिंग आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो लास्ट तक बने रहिए और इस जगह का लुत्फ लीजिए। जो साइड में आप देख रहे हैं ये दोनों तरफ ये खेत है, बट खेत में ये पानी लगा हुआ। अभी तो ये ठंड का मौसम है तो पानी ज़्यादा नहीं है, बट ये बारिश के मौसम में आपके दोनों साइड में पूरा पानी भरा रहता है। और ये बीच रास्ता जो ऐसा है ना, पहले लोग बोलते थे कि यहाँ पे अगर जाते हैं तो यहाँ पे हम लोग को प्रॉब्लम होगी, पेट्रोल मिलेगा या कोई बाइक में इशू हो गया, तो ऐसा कुछ नहीं। यहाँ पे अभी हम लोगों को सब के मतलब सुविधा या इस रोड में मिल जाती है, तो देख ही रहेंगे कि इस रास्ता भी काफ़ी चालू रास्ता हो गया, तो आप लोग इस रास्ते से आराम से आप लोग जा सकते हैं। आखिर हम पहुँचेगा ये जो पुल है, देखिए वाल्मीकि रक्सौल बेतिया नरगटिया, यहाँ से ये पुल बनने के बाद हम वाल्मीकि नगर रक्सौल मोतिहारी बहुत ही कम समय में अपने डेस्टिनेशन पे पहुँच सकते हैं। और ये पुल का जो स्ट्रक्चर है ये मतलब बहुत ही अच्छा बना हुआ है, ये पुल के बीच में दोनों साइड से रास्ता है, और साइड में जो देख रहे हैं वो पैदल, जैसे कि कोई आ रहा है जा रहा है या साइकिल से भी आप वो साइड में देख रहे हैं वो रास्ता आपको मिल जाएगा दोनों साइड में, इससे एक्सीडेंट होने की जो संभावना बहुत कम हो जाती है। और ये पुल लगभग 3 किलोमीटर 100 मीटर से कम ही होगा, बट ये 3 किलोमीटर लंबाई इसकी पुल की लंबाई है। तो पुल पे एंजॉय कीजिए और आइएगा तो फोटो वोटो भी लीजिएगा। आशा करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा है, तो प्लीज़ आप लोग इस चैनल पे जो भी नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और पिछले वीडियो को देखने के लिए आप लिंक पे जाके क्लिक करके आप लोग देख सकते हैं, और एंजॉय कीजिए।